हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। फ्रेंड्स, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2.2 ऑफ NVHM MSC 2015 एग्जाम। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू जीरो 1-2 tan थीटा की पावर cot थीटा। फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि जब थीटा जीरो पर टेंड करेगा तो 2 tan थीटा जीरो पर जाएगा, तो 1-2 tan थीटा 1 पर जाएगा, और जब थीटा जीरो पर जाता है तो cot थीटा इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक फॉर्मूला लिखता हूँ, लिमिट x इज टेंडिंग टू a एफ एक्स की पावर जी एक्स। फ्रेंड्स, अगर आपका एफ एक्स 1 पर टेंड करे व्हेन x टेंड्स टू a, और आपका जो जी एक्स है वो इन्फिनिटी पर टेंड करे व्हेन x टेंड्स टू a, तब फ्रेंड्स आप इस लिमिट को इवेल्यूएट करने के लिए फॉर्मूला लगाओगे e की पावर लिमिट x इज टेंडिंग टू a एफ एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय जी एक्स। तो आप यहां पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपके लिए एफ एक्स का रोल प्ले कर रहा है 1-2 tan थीटा, जी एक्स का रोल प्ले कर रहा है cot थीटा, और a का रोल प्ले कर रहा है फ्रेंड्स यहां पर जीरो, और x का रोल प्ले कर रहा है थीटा। तो अब इस वाले फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर मैं इसे l के इक्वल मानूं तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू जीरो 1-2 tan थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय cot थीटा, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और tan थीटा को cot थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 1। तो e की पावर लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू जीरो 2 tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा की तो कोई टर्म ही नहीं है, तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो 2 कितना हो जाएगा 2, तो जो हमारा आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा e की पावर 2। थैंक यू फ्रेंड्स।